हेलो, वेलकम टू एपिसाइन सेंटर। आज हो 14 सेप्टेम्बर 2022। आज किसी इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स और से रिलेटेड किसी इनफर्मेसन विषय आम डिस्कसन करवा। प्रतिदिन इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। देखा आज प्रथम क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स रिसेंटली रिसीव्ड बाय डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंगोलिया प्रेसिडेंट अश्वटीर नाम कौन अटे? यार आंसर होची ऑप्शन डी, तेजस। सो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंगोलिया गस्त समय मंगोलिया प्रेसिडेंट को ठारु तेजस नामक एक अश्वटी उपहार स्वरूप पाई। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रथम भारतीय डिफेंस मिनिस्टर भाव प्रतिरक्षा मंत्री भाव मंगोलिया गस्त कर। तो मंगोलिया कथी आसला ता विषय टी देखीद। मंगोलिया कैपिटल होची उलानबातर, यार करेन्सी होची टोग्रोग, एवं यार प्रेसिडेंट होची ओखनांगिन कुरेलसेक। तो ये आ गोटे एक्स्ट्रा इनफर्मेसन, 2015 जितेबाड़े प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंगोलिया गस्तर जाते से समय से प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य एक कंथक नामक एक अशोटी उपहार स्वरूप प्रदान करते। देखा यार परवर्ती क्वेश्चन, हु हेज एसेंडेड टू द थ्रोन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम रो नूतन शासक किए होती? यार आंसर होची ऑप्शन सी, किंग चार्ल्स तृतीय। सो किंग चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम रो नूतन शासक होती। तो यूनाइटेड किंगडम रो रानी क्वीन एलिजाबेथ टू कर देहांत परे किंग चार्ल्स थ्री होती वर्तमान यूनाइटेड किंगडम रो नूतन शासक। तो यूनाइटेड किंगडम विषय टी देखीद। यूनाइटेड किंगडम रो कैपिटल होची लंडन, यार करेन्सी होची पाउंड स्टर्लिंग, एवं यार प्राइम मिनिस्टर होची लीज ट्रस। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम। एमानंक मध्यरु केउटी इंडिया सबुठारु दीर्घतम रबर डैम अटे? यार आंसर होची ऑप्शन बी, गयाजी डैम। सो गयाजी डैम होची वर्तमान इंडिया रो सबुठारु दीर्घतम रबर डैम। तो यही गयाजी डैम टी बिहार रो गया ठारे फल्गु नदी उपरे निर्माण करा जायछि। एहाकु आईआईटी रुड़की रो एक्सपर्ट्स मानक द्वारा एहाकु डिजाइन करा जायछि। एही डैम रो लेंथ होची 411 मीटर, विड्थ होची 95.5 मीटर, एवं उच्चता होची 3 मीटर। तो यही डैम टी को रिसेंटली बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार उद्घाटन करचंती। तो टी बिहार कथा आसला ता विषय भी टी देखीद। बिहार कैपिटल होची पटना, यार चीफ मिनिस्टर होचंती नीतीश कुमार, एवं गवर्नर होचंती फगु चौहान। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हेज रिसेंटली एडेड हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ रिसेंटली केतोटी नूतन डिस्ट्रिक्ट को ऐड करछंती? यार आंसर होची ऑप्शन सी, 5। सो छत्तीसगढ़ रिसेंटली 5टी नूतन डिस्ट्रिक्ट को ऐड करछि। तो सही 5टी नूतन डिस्ट्रिक्ट गुड़िक हला, प्रथम मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, द्वितीय सरनगढ़ बिलाईगढ़, तापरे तृतीय होची खैरागढ़ चुईखदन गंडाई, तापरे तृतीय गला, तापरे चतुर्थ होची महेंद्रगढ़ चिरमिर भरतपुर, एवं पंचम होची शक्ति। तो यही 5टी नूतन डिस्ट्रिक्ट को छत्तीसगढ़ ऐड करछि। तो यही नूतन 5टी डिस्ट्रिक्ट सहित छत्तीसगढ़ वर्तमान सर्वमोट डिस्ट्रिक्ट संख्या हो जाएगी 33। तो ये छत्तीसगढ़ कथा आसला ता विषय टी देखीद। छत्तीसगढ़ कैपिटल होची रायपुर, यार चीफ मिनिस्टर होचंती भूपेश बाघेल, एवं यार गवर्नर होचंती अनुसुईया उइके। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल और ओडीआई क्रिकेट। एमानक मध्यरु केउ ऑस्ट्रेलिया रो क्रिकेट खेलाड़ी रिसेंटली ओडीआई अर्थात वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट रु अवसर नेबा पई घोषणा करचंती? यार आंसर होची ऑप्शन ए, आरन फिंच। सो ऑस्ट्रेलिया रो क्रिकेट खेलाड़ी एवं ऑस्ट्रेलिया रो क्रिकेट टीम रो कैप्टन आरन फिंच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट रु अवसर नेबा घोषणा करछंती। तो न्यूजीलैंड सहित चलिथिबा ओडीआई सीरीज रो तृतीय शेष मैच परे से ऑस्ट्रेलिया रो
कैप्टेन कैप्टेन तथा वन डे इंटरनेशनल रु अवसर नेबे। किंतु आरन पिंच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम रो टी ट्वेंटी दल रो नेतृत्व नेबे। तो आगो को हेबा को थिबा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप पर्यंत से ऑस्ट्रेलिया रे टी ट्वेंटी टीम रो कैप्टेन रो दायित्व तुलेबे। किंतु से ओडीआई रु वर्तमान अवसर नेबा पई घोषणा करछंती। तो एठी गोटे एक्स्ट्रा इनफॉर्मेशन जे वन डे इंटरनेशनल रे तीनोटी सबुठारु हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर मध्यरु दुईटी तांको नारे रहिछि। सो गोटे होछि जिम्बाब्वे अगेंस्ट रे 172 एवं गोटे होछि इंग्लैंड अगेंस्ट रे 156। तो टी ट्वेंटी रो इंडिविजुअल स्कोर मध्यरे तांकर रेकर्ड रहिछि। एहा सहित से प्रथम खेलाड़ी भाबरे टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट रो रेटिंग रे 900 रेटिंग पाइथिबा से प्रथम खेलाड़ी मध्य अटंती। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, हु हेज बिन कन्फर्ड विथ द 31st व्यास सम्मान। एमानक मध्यरु किए 31तम व्यास सम्मान द्वारा सम्मानित होइछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी असगर अजावत। सो डॉक्टर सायद असगर अजावत को 31तम व्यास सम्मान द्वारा सम्मानित करा जायछि। डॉक्टर असगर अजावत को तांकर प्ले महाबली पई एही सम्मान द्वारा एही अवार्ड द्वारा सम्मानित करा जायछि। तो एही महाबली प्ले रे वजावत मुगल एम्परर अकबर एवं पोएट तुलसीदास को रो कहानी एथरे से एही प्ले रे से वर्णना करछंती। तो डॉक्टर सायद असगर अलावत से जणे हिंदी स्कॉलर फिक्शन राइटर नोवेलिस्ट प्ले राइट इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एवं टेलीविजन स्क्रिप्ट राइटर मध्य अटंती। तो तांकर फेमस वर्क मध्यरु रहिछि सात आसमान एवं जिस लाहौर नहीं देखा ओ जमाई नहीं। एभली तांकर केतेटी फेमस वर्क मध्य रहिछि। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच टीम वन द 2022 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। एमानक मधुरु केउं दल 2022 रो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जितिछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन ए श्रीलंका। तो श्रीलंका टीम 2022 रो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट टी जीति जाइछंती। तो एशिया श्रीलंका 2022 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रो फाइनल से पाकिस्तान को परास्त करी षष्ठ सिक्स टाइम पई एही एशिया कप टाइटल टिकु जीति जायछंती। तो 2022 रो एशिया कप 15तम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट थिला एवं एहा T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट रे खेला जायतिला। एही 2022 रो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट टी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रे खेला जायतिला एवं एहार होस्ट कंट्री थिला श्रीलंका। तो ओरिजिनली एहा श्रीलंका रे खेला जिबार थिला किंतु श्रीलंका रे इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल क्राइसिस जगु एहा को परे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रे एही टूर्नामेंट टी आयोजन करा जायतिला। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द अपकमिंग बुक टाइटल्ड फॉर्जिंग मेटल नृपेन्द्र राव एंड द पेनार स्टोरी। रिलीज हेबाकु थिबा बुक फॉर्जिंग मेटल नृपेन्द्र राव एंड द पेनार स्टोरी रो ऑथर किए अटंती। यार आंसर होछि ऑप्शन डी पवन सी लाल। तो सीनियर जर्नलिस्ट पवन सी लाल को द्वारा लिखित नूतन एक बुक फॉर्जिंग मेटल नृपेन्द्र राव द पेनार स्टोरी रिलीज हेबाकु जाउछि। एही फॉर्जिंग मेटल बुक रे से नृपेन्द्र राव जीए पेनर इंडस्ट्रीज लिमिटेड रो चेयरपर्सन अटंती तांक विषय रे एवं तांकर एंटरप्रेन्योरल जर्नी विषय रे एथरे से वर्णना करछंती। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, ई फर्स्ट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। ई फर्स्ट इंडिया प्लेटफॉर्म जहाँ को रिसेंटली नीति आयोग द्वारा लॉन्च करा जाइछि से एमानक मध्यरु केउ फील्ड सहित एसोसिएटेड अटे। यार आंसर होछि ऑप्शन बी फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन अर्थात मालवाही जो जान सब रहिछि तारो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया को नीति आयोग द्वारा रिसेंटली लॉन्च करा जाइछि। तो ई फर्स्ट इंडिया रो फुल फॉर्म होछि इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सिलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया रे जो मालवाही जेते सब जान रहुचि ट्रेन रहुचि एरोप्लेन रहुचि तांकर इलेक्ट्रिफिकेशन किभड़ी करा जाई परिबो से भड़ी सेथि पई एही प्लेटफॉर्म टिकु नीति आयोग द्वारा लॉन्च करा जायछि। तो ई फर्स्ट इंडिया इंडिया रो प्रथम नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट ट्रांसपोर्ट
प्लाटफर्म अटे। यहाँ नीति आयोग वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सहित मिलित भाव यहाँ लॉन्च कर तो इंडिया रे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन अर्थात मालवाही ट्रक हला जान हला जहाज ट्रेन एमानकर इलेक्ट्रिफिकेशन यही प्लाटफर्म टी लॉन्च करा जाए ची। तो नीति आयोग लॉन्च कर तो नीति आयोग विषय टी देखिद नीति आयोग फाउंडेशन होता 2015 जनवरी 1 रे यार हेडक्वार्टर रही न्यू दिल्ली ठारे एवं यार सीईओ होती परमेश्वरन आयर। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे और वर्ल्ड ईवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट यार आंसर होछि ऑप्शन बी 9 सेप्टेम्बर। सो प्रतिवर्ष 9 सेप्टेम्बर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे और वर्ल्ड ईवी डे आकार पालन कर तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विषय जो इम्पोर्टेन्स रही सैज करने सहित इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन विषय रे अवेयरनेस सृष्टि करने दिन की पालन कराए यहाँ प्रथम पालन कर 2020 रे तो यह हूँ यार तृतीय ऑब्जर्वेंस। सो एगुड़िक रहा आज डिस्कशन क्वेश्चन रो आंसर्स जदि आज भिडियोटी आपंक भल लगी लाइक और शेयर करूँ और प्रतिदिन एभली इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज करेन्ट अफेयर PDF आपण मैंने गुगुल ड्राइव और टेलीग्राम डाउनलोड करें यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।